स्वागत है सुमन किचन में आपका। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर और धनिए की चटनी। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले हमने लिया है टमाटर, और दो टमाटर हमने लिए हैं मीडियम साइज़ के, और यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ और चार मिर्च हमने ली है, और वाइट और ब्लैक दोनों नमक हमने लिया है, और धनिया पत्ता लिया है। इसे अच्छा किया है धनिया पत्ता को बढ़िया से हमने। अब एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे। उसके बाद से हम मिर्ची और टमाटर भी इसमें कट करके डालेंगे। फ्रेंड्स, हम चार मिर्ची ले रहे हैं और बहुत तीखा है, हमें तीखा पसंद है, इसलिए आप चाहें तो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके के पीसेज में कट करके हमने डाल दिया है। अब टमाटर को भी पीसेज में कट करके मैं डालूँगी, के पीसेस में कट करें। आप देख सकते हैं कैसे कट कर रही हूँ मैं। उसके बाद से इसमें धनिया पत्ता मैं भी इसे भी कट करके ही डालूँगी ताकि ये अच्छा से पीस जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से धनिया पत्ता और टमाटर मिर्च को कट करके डालें। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी और इसे हम ग्राइंडर में घुमा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने पीस लिया है इसे मिक्सी में, और इतना बढ़िया ये तैयार है। तो चलिए इसे एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं एक बाउल हमने लिया है और इसमें हम चटनी को सर्व कर देंगे, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये चटनी। तो आप अपने घर पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और आप देख सकते हैं बनके रेडी है चटनी। तो इसे एक बार बनाएं और देखें कितना टेस्टी और यम्मी बनता है। थैंक यू।